वाले हैं कि अपन नेटवर्किंग का यूज कैसे करें। जैसे यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपको अपने डाटा को बड़े स्पीडली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजना है, या फिर आपको एक साथ बहुत ज्यादा वर्कर से कोई वर्क करवाना है और उनके पास आपको कोई डाटा कोई फाइल पहुंचाना है और समय कम जल्दी भेजना है। माना कि आपके पास 30-40 वर्कर वर्क कर रहे हैं और आपने माइक से अनाउंस कर दिया है कि आप लोग एक वर्क करिए और हम आपके वर्क को करने के लिए कोई फाइल भेज रहे हैं। किसी एक ड्राइव में आप फाइल को भेज रहे हैं, उनसे बोलिए कि आप उस ड्राइव को जाकर देखें, अपने कंप्यूटर में चेक करें, हमने भेज दिया है और आप उसको काम को स्टार्ट करो, तो स्पीडली काम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार में पेश किया है। आप सिर्फ एक जगह पेश करेंगे, बस सिर्फ एक जगह पेश करने से सारे वर्कर के पास वो चीज पहुंच जाएगा, ये नेटवर्किंग के द्वारा हो जाता है। तो अभी अपन करेंगे, देखो सबसे पहले अपन शेयरिंग कर लेते हैं। आप या तो किसी ड्राइव को या फोल्डर को पहले से शेयरिंग करके रख लेते हैं, या फिर अगर आपने पहले कभी नहीं किया है, आप पहली बार आप कर रहे हैं, तो आपको अब शेयर करना पड़ेगा। लेकिन जब शेयर करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत समय लग सकता है नेट की स्पीड निकालने में, हो सकता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लग जाए, फोल्डर 100 मिनट। लेकिन अगर आपने पहले से ही करके रखा हुआ है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो हमेशा सोचता ही रहता, जैसे आप भेजेंगे तुरंत वो उसको चेक कर लेंगे। जैसा भी आप देख रहे हैं, अपन ने यहाँ पर ड्राइव डी को शेयर करके रखा हुआ है और ड्राइव डी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ऑल सॉफ्ट एंड अदर डाटा, ऐसे करके नाम लिखा हुआ है। अपन इसकी प्रॉपर्ट अपन जरा चेक कर लें, कैसे चेक करते हैं देखो, अपन राइट क्लिक करेंगे पहले और देखेंगे शेयर एंड शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में जाकर इसका नाम क्या है। इसका नाम सिर्फ डी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सिर्फ डी नाम से आएगा वहां पर आएगा, लेकिन अपन कुछ अलग करेंगे ताकि आपको तो जल्दी मिल जाए, क्योंकि डी तो बहुत सारे कंप्यूटरों के आ रहे होंगे, आप कैसे समझेंगे कि इसका मुझे लिख रहा है डी। अपन एक काम कर रहे हैं, अपन इसके इसको फिर से अपन देखो, शेयरिंग अगर आपने कर दी है और उसके हटाना है, अपन हटाते कैसे, हटाना सीखो फिर दोबारा करना सीखेंगे। अपन यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेक बॉक्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अपन इनमें से इन पर क्लिक करें तो जो आप देख रहे हैं राइट का आपको तो दिखाई दे रहा है हट जाएगा, मतलब ये खत्म, शेयरिंग खत्म हो जाएगी। सबसे नीचे लिखा हुआ है अलाउ नेटवर्क यूजर टू चेंज माई फाइल, आप चाहते हैं कि आपकी फाइलों में और भी वर्कर हैं वो कुछ चेंजेस भी कर सकें, तो आप यहाँ पर क्लिक को रहने दें, और आप चाहते हैं कि और जो वर्कर हैं वो आपकी फाइलों में चेंजेस ना कर सकें, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें और अप्लाई पे क्लिक कर दें, तो सभी वर्कर आपकी फाइलों सिर्फ देख सकते हैं और फाइल अपने सिस्टम में कॉपी कर सकते हैं, पर आपकी फाइल में कोई करेक्शन नहीं कर सकते। आप इसको क्लिक कुत्ता भटा देते हैं जब आप इनको सबको डाटा भेज रहे हो, क्योंकि आपने डाटा भेज दिया और 30-40 वर्कर हैं, आप क्या पता 30-40 में से कौन सा वर्कर आपका डाटा डिलीट कर दे, तो बाकी लोग उसको देख नहीं पाए, तो इसलिए आप क्या करते हैं जब डाटा भेजते हैं तब आप इस पर से क्लिक को हटा देते हैं और आप भेज देंगे, और जब आप दोबारा माइक से अनाउंस करेंगे कि आपने काम कर दिया है तो उसमें फोल्डर में भेज दें और आप इस फोल्डर खोल कर देख लें, और जैसे ही भेजेंगे तुरंत आप यहाँ से कट करेंगे अपने सिस्टम में टेस्ट कर लें, तो कोई उसमें करेक्शन कर नहीं पाएगा, दोनों भेजते जा रहे हैं और आप अपने सिस्टम में कट करके देते जा रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने वहां से पहले से ले लिया, आपको आपका डाटा जो है वो सुरक्षित रहे। अपन अब शेयरिंग हटाना चाह रहे हैं, तो ये लिखा है शेयर दिस फोल्डर ऑन द नेटवर्क, अब यहाँ पर चेकबॉक्स में आपको दिख रहा है क्लिक है, अपन हटा देते हैं तो फिर शेयरिंग खत्म, अपन ने हटा दिया है और अप्लाई पर क्लिक कर दिया है और यस पर क्लिक कर दिया है, अब थोड़ी देर बाद आपकी शेयरिंग खत्म हो जाएगी। अब अपन ओके पर क्लिक कर देते हैं, आप देखेंगे अब शेयरिंग खत्म हो चुकी है। आप दिख रहा है पहले कुछ दिख रहा था आपको शेयर का जो सिंबल बना हुआ था, व्हाट्सएप का नाम आप कर रहे हैं ऐसे करके। अब आपको शेयरिंग करना सीखना, माना कि अब आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर करते कैसे वो देखो,
आपको जिस ड्राइव को शेयर करना है उस ड्राइव पर जाकर आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू अंडरस्टैंड द रिस्क बट स्टिल वांट टू शेयर द रूट ऑफ द ड्राइव क्लिक किया, मतलब अगर आप इस रिस्क को लेने की तैयार हैं और आप इसको अभी शेयर करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर रहे हैं, क्लिक किया मतलब यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और नहीं करना तो ना करें, माने के अपन रिस्क लेने की तैयार कर दे दें, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद भी हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, वो दो ऑप्शन हमारे सामने ये होते हैं शेयर दिस फोल्डर ऑन द नेटवर्क, मतलब आप अपने फोल्डर को इस नेटवर्क पर शेयर करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ शेयर करना चाह रहे हैं का मतलब ये होता है कि आप शेयर करना चाह रहे हैं पर आपकी फाइल में कोई करेक्शन नहीं कर सकता, सिर्फ आपने शेयर कर दिया है आपकी फाइल में सब लोग देख सकते हैं कुछ कर नहीं सकते, और यहाँ पर आप कुछ नाम लिख देंगे जिससे कि सब उसको पहचान सके कि कौन सा सिस्टम है, अपन यहाँ पर लिख देते हैं डी के बाद अपन ने लैब लिख दिया है और मैन क्या है कि इसका कोई नंबर नहीं है इसलिए अपन ने लिख दिया है लैब मैन सिस्टम, जैसे यहाँ पर नंबर है 9 के बाद 10 ये हो गया, ये बीच में इसको कोई नंबर नहीं दिया है तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया है 11th होता है ये नंबर भले हुए सब उसमें ये एक्स्ट्रा है तो इसको अपन ने लिख दिया है डी लैब मैन सिस्टम, तो आप समझ जाएंगे कि अलग जो एक्स्ट्रा वाला सिस्टम है वो अपन ने यहाँ पर देख रखा होगा। अब आप इसको एक और ऑप्शन देख रहे हैं अलाउ नेटवर्क यूजर्स टू चेंज माई फाइल, जो यूजर्स इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं वो आपकी फाइलों में चेंज कर सके, तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स में क्लिक कर देंगे और आप चाहते हैं चेंज ना कर सके तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, अपन क्लिक कर देते हैं, अपन अलाउ कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, यस कर दिया है और ओके कर दिया, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, ऐसा होने के बाद कोई भी फाइलों को चेंज कर सकता है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके ड्राइव डी में बहुत ज्यादा डाटा है और आप चाह रहे हैं कि इसको कोई फाइलों में कोई करेक्शन ना करें सिर्फ आपकी फाइलों को देख सके तो फिर आप सिर्फ ऊपर के में क्लिक करेंगे नीचे की में से हटा दें, अगर आपने दोनों पर क्लिक कर दिया तो आपका सारा डाटा कोई डिलीट भी कर सकता है अदर की सिस्टम और आपको पता नहीं चला किसने कर दिया क्योंकि ज्यादा लोग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, अधिकतर आपके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आप एक काम करेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें अलग से एक नया फोल्डर बनाएंगे और उसमें फोल्डर में अपना कोई काम का कोई डाटा रखेंगे ही नहीं, उसको आप बिल्कुल हर जगह रखेंगे और डाटा ले लिए करेंगे कोई रिस्क नहीं, जैसे अभी हम आपके सामने फोल्डर बनाने वाले हैं, अपन ने राइट क्लिक किया हुआ है, न्यू पर जाने के बाद हमने फोल्डर पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर एक नया फोल्डर बन गया, हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने इस फोल्डर को हमने VDS नाम दे, ठीक है, अब VDS नाम देने के बाद अपन अब हम उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, यदि फोल्डर नहीं मिला तो आप ये टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से जल्दी मिल जाएगा, अपन ने भी टाइप कर दिया है तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी टाइप करने के बाद नहीं दिख रहा है फिर से भी टाइप कर देंगे, तब तक करेंगे जब तक हमको वो फोल्डर नहीं मिल जाता जो हमने अभी बनाया था, बनाया तो था शायद कुछ, हाँ फिर से बनाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं अपन यहाँ पर एक फोल्डर फिर से बनाएंगे VDS के नाम से, वो अपन ने ठीक से नहीं बनाया था, अपन न्यू पर जा रहे हैं और अपन फोल्डर पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ अपन ने VDS टाइप कर दिया है और कहीं भी चलो मिल गया
पहले लिख देता हूँ। देखो PDF है नीचे है, अब हम इस PDF जो फोल्डर है इसको हम शेयर कर रहे हैं, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप किसी फोल्डर में शेयर कर सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब आप इस पर राइट क्लिक करने के बाद आप शेयर पर क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा है शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, और चूंकि इसमें आपका कोई काम का कोई डाटा तो है, तो आप दोनों पर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आपने यहाँ क्लिक कर दिया है, इसका नाम VDS लिखा है, अगर आप चाहें तो इसका नाम VDS आपको दिखे और हो सकते ये कुछ और नाम दिखे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपको तो VDS दिखाई देगा पर और जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनको कोई और नाम दिख सकता है, जो आप यहाँ पर टाइप करें। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ICI, इतना नंबर है हमने यहाँ टाइप किया ICIC कंप्यूटर, और वहां पर था VDS, बहुत अंतर है दोनों नाम, लेकिन हमें VDS दिखाई दे, और जो आप इस कंप्यूटर को यूज करेंगे ज्यादा कंप्यूटर को आपको वो ICIC कंप्यूटर सेंटर दिखाई दे। अब आप देखते हैं अपन इसको कैसे करेंगे, अपन ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि आप फाइलों में करेक्शन भी कर सके, फिर अपन ने अप्लाई कर दिया है और यस कर दिया है और ओके। अब आप देख रहे हैं कि अपना VDS नाम से फोल्डर है वो शेयर हो चुका है, लेकिन आपको ICIC कंप्यूटर सेंटर नाम से वो दिखाई देगा। अब आप अपने कंप्यूटर में अपने समाज से कुछ बोलेंगे, माने कि आप सब जॉब कर रहे हैं और हमने माइक का स्विच ऑन किया और हम अनाउंस कर रहे हैं आपके सब जो रूम में माइक लगे उनमें कि हमने आपको एक फाइल भेज दी, आप उसको पूरा पैटर्न ठीक से टाइप कर कर हमें उसमें भेज दो, तो हमने आपको जो फाइल भेजी है वो आप जरा ओपन करो। अब आप सोचे कहाँ से ओपन करना है, तो वो पूरी प्रोसेस पहले से बता दें, आप सबसे पहले माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप माई नेटवर्क प्लेस में जाए, और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक ICIC कंप्यूटर सेंटर के नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा, तो आप देख लो आपके 11 नंबर में या 4 नंबर में। अब यार अपन ने चालू किया है सर, तो हो सकता है 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद या थोड़ा टाइम लग जाए स्पीड से लोगों को, क्योंकि नया नया अपन ने शेयरिंग किया होगा, लेकिन अगर आप पहले से ही शेयर कर रखेंगे तो वो तो पहले से ही रहता है, आ जाता है तुरंत, कैसे आ जाएगा उसमें लिखा होगा ICIC कंप्यूटर सेंटर, ऐसा लिखा होगा, तो अगर आपको ICIC कंप्यूटर सेंटर जैसे ही दिखेगा तो फिर आप समझ जाना कि वो आपको अब वो शेयर हो चुका है, क्योंकि अपन अभी भी किया है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नहीं डेटा नहीं, माई नेटवर्क इसमें तो देखो फिर से बता रहे हैं कैसे करना है, सर नहीं आ रहा, चलो आ जाएगा, देखो कैसे आता है, पहले आप जाना स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आप, फिर आप जाएंगे माई नेटवर्क प्लेस पर, कहाँ जाना है हम तो बता रहे हैं कहाँ जाना, सबको देख रहा, फिर आप जाएंगे माई नेटवर्क प्लेस पर, और यहाँ पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको ICIC कंप्यूटर सेंटर ऑन ICIC-A30 ऐसे करके कुछ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा, देखो ऐसा ICIC कंप्यूटर सेंटर, आप ना आपको क्यों देख रहा है, देख रहा है ना, अलग किसी कंप्यूटर में देख रहा है, इसके अलावा देख रहा है ना, वेरी गुड, कैसा दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं हमने आपसे बोला कि हमने एक फाइल भेजी, आपने पूछा कहाँ भेजी, हमने जवाब नहीं बताया कि हमने फाइल भेजी है माई नेटवर्क प्लेस में, आप जाएं और ICIC कंप्यूटर सेंटर के फोल्डर के अंदर हमने फाइल भेज दी, आप उसको अपने सिस्टम में रहकर और डाटा टाइप कर सकते हैं। अब आप फाइल देख रहे हैं कहाँ भेजी, हम देखो भेज देते हैं भैया भेजते हैं, अब आप इसको जरा ओपन करें, इसको ओपन करने के बाद हम इसमें एक एक्सेल की फाइल भेज रहे हैं, हमने एक फाइल आपके पास भेज दी, अब आप देखो आप फाइल दिख जाएगी, सबके पास आ गई ना फाइल एक्सेल, ऐसे आ जाती, अपन सिर्फ एक जगह हमें काम करना पड़ा तो अपन अपने सिस्टम में से कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे, और सभी जितने भी कंप्यूटर से अपने नेट से कनेक्ट हैं सबके पास वो फाइल पहुंचेगी एक साथ, ऐसे क्या आपका टाइम बच जाएगा, आपके इसमें हो सकता है नेट नहीं चल रहा, तो देखो ऐसे करके आप देखते हैं आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सोचो आपके 30-40 वर्कर वर्क कर रहे हैं
और अगर आप आपको यूज करना नहीं आए तब आपको पेन ड्राइव पे यूज करना पड़ सकता है। आप पेन ड्राइव पे कॉपी करेंगे, एक सिस्टम में पेस्ट करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे, फिर 30-40 में पेस्ट करके कितना समय आपको लग रहा है, कितनी मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है आप एक घंटा लग जाए सिर्फ पेस्ट करने में, लगेगा नहीं लगेगा। इतने सारे सिस्टम पहले आपकी डेटा स्कैन होती है पहले, फिर आप डाटा लेते हैं, ऐसे 30 बार क्रॉस करेंगे आपकी 30-40 बार, और ऐसे कितना टाइम लगता है, सिर्फ आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, अनाउंस कर दिया, हमने भेज दिया, आप देख सब लोग देख लें, आपका काम जो घंटों का काम होता है वो सेकेंडों में खत्म हो जाता है। ये इससे अपना फायदा होता है नेटवर्किंग के द्वारा। अभी जैसा आप देख रहे हैं किसी ने उस फाइल को यहाँ से डिलीट कर दिया है, क्योंकि अपन ने अभी दोनों पहला करके रखा हुआ था ना, तो इन बालकों ने उसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ऐसे आप देखते हैं कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने नेटवर्किंग में दोनों ऑप्शन चले हुए तब कर सकते हैं। अगर हम एक ऑप्शन डाल दें तो अब देखो हम आपको बेहतर है दिखा देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बैक करेंगे, हम वापस अपने कंप्यूटर पर जा रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर VDS के नाम से उसको फोल्डर को रखा हुआ है, तो वो हमें यहाँ पर VDS के नाम से मिलेगा, और हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेव एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। जब कभी आप कहीं वर्क कर रहे हो और आपके नीचे के वर्कर पर आपको शक हो रहा है कि आप कुछ भेजते हैं और अनाउंस करते हैं जब तक कोई डिलीट कर देता है, मतलब आपकी वर्कर में कोई वर्कर है शैतान कर रहा है, तो फिर आप ऐसा तो फिर आप क्या करेंगे, ये उपाय अपना लेंगे। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पर से क्लिक हटा देंगे और अप्लाई और ओके, ये आपने कर दिया। ऐसा करने के बाद अब आप यहाँ पर फिर से अनाउंस करेंगे, आप देखें कोई टेक्निकल समस्या के कारण फाइल नहीं दे रही थी आपको, हमने फिर से भेज दी, अब आपको फिर से फाइल देखने लगे, और अब जो फाइल दिखेगी इसे कोई डिलीट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन ने नीचे चेकबॉक्स है हटा दिया है, क्लिक हटा दिया। अब आप करो डिलीट, अब कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि अपन ने ऑप्शन दिया ही डिलीट करने के लिए। अब आप सिर्फ देख सकते हैं, इस फाइल को कॉपी करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं, जो वर्क हमने बताया है करने का वो वर्क आप कर सकते हैं, मतलब जो अपन ने काम किया होगा वो आप काम कर सकते हैं। काम करने के बाद जब आप काम पूरा हो जाएगा तो हम आपसे बोलेंगे आप मेल कर दो, अपने दुकानदार में मेल करते जाओ, तो कर सकते हैं 30 लोग आप करते हैं फटाफट मेल आ ही जाए, या फिर हम ऐसा बोलेंगे हम वो क्लिक दोबारा लगा देंगे और आपसे कह देंगे आप भेज दो उस फोल्डर, आप उस फोल्डर जैसे ही भेजेंगे हम तुरंत वहाँ से कट कर देंगे और अपने सिस्टम में पेस्ट कर देंगे, ताकि कोई और कुछ ना कर नहीं कोई दूसरा कोई कट कर दे, तो जैसे कोई भेजेगा आप उसको देख रहे हो जैसे आया तुरंत वहाँ से राइट क्लिक किया कट किया सिस्टम में पेस्ट कर दिया, आप कोई कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा पहला वर्कर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, अगर किसी वर्कर ने ऐसा किया तो उसे फाइन किया जा सकता है क्योंकि कैमरे लगे होंगे। अब जो वर्कर ऐसा वर्क करेगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसने किया है, और आप 30 जगह की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आराम से सामने फ्री टाइम बैठ कर, और जैसे टाइम बैठे चेक किया ये पता लग जाएगा आखिर जब ट्रीट कौन कर रहा था उसको बोल कर बार बार तो पता लग जाएगा, इसलिए वर्कर ऐसा वर्क नहीं करेंगे, बच्चे कर सकते हैं वर्कर नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम बता देते हैं, सबसे पहले आपको एक इंटरनेट का कनेक्शन लेना होता है, इंटरनेट का कनेक्शन जब लेते हैं तो आपके पास जो मॉडम लगा कर जाते हैं, मॉडम उन्होंने लगा दिया है, मॉडम के दो प्रकार के होते हैं, एक मॉडम होता है सिर्फ एक मॉडम पे वाईफाई लगा होता है, एक वाईफाई वाला मॉडम कहलाता है, तो जो भी उन्होंने मॉडल लगाया उन्होंने लगा दिया। अब उस मॉडल में हो सकता है एक सिस्टम चला सके या दो या तीन चला सके, चार भी चला सकते हैं आजकल आ गए हैं मॉडल चार छह, लेकिन आपको तो 25-30 चलाना है, आप उससे थोड़ी चला पाएंगे उसमें उतना ही है, अब आपको अलग से स्विच लगाना पड़ेगा, लेकिन आप उससे चार कंप्यूटर चला रहे हैं उन चार में ये सुविधा चालू रहेगी, अगर आपके चार सिस्टम हैं और उससे चार चल रहे हैं मॉडल तो आप चार में आपस में ये काम जो हमने बताया आप एकदम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके चार से ज्यादा कंप्यूटर है और फिर आपको लग रहा है कि अपन को एक स्विच लेना पड़ेगा, तो आप ऐसा जो स्विच आप देख रहे हैं लगा हुआ है पीछे एक ब्रेक तो बड़ा सा दिख रहा है, यस सर
आप तो देख रहे हैं ये स्विच है और ये जो स्विच लगा हुआ है इसमें बहुत सारे वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो वायर हैं ये अलग अलग सभी सिस्टम में कनेक्ट हैं। तो ये वायर जो कनेक्ट हैं इन वायरों को सारे कंप्यूटर में जुड़ा होता है अपन में, उसके बाद आप नेट यहाँ पर सब चला पाते। तो जब वायर अपन ने सब में लगा दिए, जैसे अपन ने वायर लगाए इसको ऑन कर दिया, इसका एक प्लग अपन पावर में लगा दिया, उसको ऑन कर दिया, बस अब अपना नेटवर्क प्ले मतलब अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क है स्टार्ट हो जाता है। अब अपन ये काम कर सकते हैं अगर सब में वायर ठीक से लगे हुए हैं तब। लेकिन यदि किसी कंप्यूटर में वायर ठीक से ना लगे, किसी कंप्यूटर का टाइम गलत चल रहा हो, ऐसी कोई घटना, या फिर कनेक्टर में कोई कनेक्टर क्या होता है वो पीछे अपन जो लगाते हैं जो आप देख रहे हैं कनेक्ट होता है छोटा सा कनेक्टर होता है, हाँ अगर वो कनेक्टर होता है अपन में वो कुछ खराब हो गया है उसको भी दिक्कत है तो भी तो आपका नेट नहीं चलेगा। वायर अगर ठीक से है तो आप ये काम कर सकते हैं, ऊपर से नेटवर्क हो जाए कोई दिक्कत, पर आपका केबल जब ठीक से होना चाहिए तब आराम से डाटा यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें तो कनेक्शन चालू है और ये आपने विद्युत विभाग कर रहे हैं ये चल रहा है। ऊपर से अगर कंपनी से नेटवर्क हो जाता है तब भी आप अपना ये काम यहाँ यहाँ कर सकते हैं, आप डाटा यहाँ से भेज पाएंगे, बस केबल ठीक से लगे। हाँ अगर ऊपर से नेट बंद है लेकिन आपका मॉडम भी ऑन है, आपका ये भी सब कुछ ऑन है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आराम से डाटा यहाँ से भेज दीजिए, नेट बंद है तब भी भेज, नेट अगर ऊपर से बंद है लेकिन आपके सिस्टम का केबल सब सही से लगी होना चाहिए तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास केबल थोड़ी सी घूम दिया कुछ गलत लगी या पीछे नहीं लगी फिर आप नहीं कर पाएंगे, समझ आ गया, ऐसे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को भी, आप डाटा आराम से भेजें कहीं पर भी, ले भी सकते हैं डाटा। और अभी आप देखेंगे हम आपके कंप्यूटर में एक नया फोल्डर बना देंगे, आप लोग देखेंगे आपके सामने एक नया फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा, इसी के अंदर फोल्डर अंदर हमने फोल्डर बना दिया है और उसको हमने न्यू फोल्डर नाम से इसको बनाया है और आपको दिख नहीं रहा हो, देख रहे हैं ना, ये सब बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। तो देखो अभी अपन ने देखा फोल्डर बनाया, सब में पहुंचा, फाइल भेजी तब भी पहुंच गई, इससे आपका टाइम बच, अब आप जब भी कहीं जाकर जॉब करेंगे और आप एक नए तरीके से आप वर्क करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। आ गया सबको, ठीक है।